बढ़ रही है दूरियां आपके और आपके पति के बीच, और अब ऐसा लग रहा है कि ये दूरियां अब कम नहीं होगी, धीरे धीरे दूरियां बढ़ेंगी और इसका परिणाम बड़ा बुरा होने वाला है। देखो, जब भी कोई रिश्ता टूटने की कगार पर आता है ना, तो प्रथम संकेत अवश्य देता है। ऐसा नहीं है रातों रात रिश्ता टूट जाता है, कोई भी बात नहीं हुई, रिश्ता टूट गया, ऐसा नहीं है। लोग बोल देते हैं छुपाने के लिए कि कुछ नहीं हुआ, रिश्ता टूट गया, पता नहीं होने को यही मंजूर था, ये सब बोल देते हैं। परंतु रिश्ता यदि टूटने वाला होता है तो इसके संकेत प्रथम मिलने लगते हैं, बात बिगड़ने लगती है और फिर धीरे धीरे रिश्ता खराब होता है और फिर पूर्ण रूप से ये टूट जाता है। जब भी रिश्ता टूटता है तो दो दिल ही नहीं प्रभावित होते, दो घर प्रभावित होते हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। कोई नहीं चाहता है कि ये रिश्ता टूटे, परंतु जब ग्रह अपनी गति बदलते हैं, अपना घर बदलते हैं, तब तो कुछ होना ही है। तो चलो इस अवस्था को सुधारते हैं। तुम अपने घर में कितनी प्रेम से रहती थी, उसके बाद तुम्हारा विवाह तय हुआ, विवाह भी तुम्हारी मर्जी से तय हुआ और सामने से तुम्हारे पार्टनर ने भी तुम्हें खूब पसंद किया। शादी से पहले तुम उनसे मिली भी, बातें भी की, सब कुछ देखा परखा गया और फिर चुनकर खुश होकर तुम्हें आरती उतार कर इस घर में लक्ष्मी की तरह प्रवेश कराया गया। फिर क्या हो गया कि आज उसी लक्ष्मी पर बेहद इल्जाम लगते हैं। सुबह से रात तक एक पैर पर खड़ी रहती हो जिस परिवार की सेवा के लिए, वो परिवार तुम्हें पसंद ही नहीं करता। सास के पास तो इतनी शिकायत है आपके लिए कि सुबह से रात्रि खत्म हो जाए परंतु आपकी शिकायत खत्म ना हो। पति के पास भी इतनी शिकायतें हैं कि तुम्हें खुद भी ऐसा लगता है कि शायद मैंने इनसे शादी करके भूल कर दी, मैंने इनके जीवन को खराब कर दिया, वो इस कदर तुम पर इल्जाम लगाते हैं। कुछ मेरी बहनें लिख रही हैं कि मेरे पति बहुत संदेहजनक व्यवहार करते हैं मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें कोई और पसंद है, कोई सौतन है, परंतु मुझे कुछ नहीं पता कोई है या नहीं, परंतु अब वो संदेहजनक व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। ऐसा लगता ही नहीं कि वो मेरे पति है, बिल्कुल जैसे कोई अजनबी हो, मैं किसी अजनबी के साथ किसी घर में रह रही हूँ। वह सारी बातें मुझसे छुपाने लगे हैं, वो अपनी आय छुपाते हैं, कोई भी बात कर रही हो और मैं जाती हूँ तो वो चुप हो जाते हैं, फोन पर किसी से बात कर रहे हो और मेरे जाने से वो फोन काट देते हैं। तो ऐसे जब अवस्था पत्नी के साथ होने लगती है तो पत्नी को ऐसा लगने लगता है कि एक ही घर में मैं किसी अजनबी के साथ रह रही हूँ, ये घर सिर्फ नाम का मेरा है, वास्तव में यहाँ मेरा कुछ है नहीं। सास से कुछ कहने जाती हो तो सास तुम्हारे भीतर ही ढेर सारी कमियां निकाल देती है, तुम्हारी ही चार शिकायत तुम्हें बता देती है। बाकी ननद देवर और ससुर से क्या कहना, जिसका हाथ पकड़कर इस घर में आई थी जब वो ही अपना नहीं, तो बाकी किसी से क्या शिकायत। बड़ी बुरी अवस्था होती है औरतों की, वो अपना घर छोड़ देती है, अपना संसार छोड़ देती है, अपनी भाभी, अपने भाई, अपने माता पिता, सहेलियां, नातेदार सबको छोड़ जाती है केवल पति का हाथ थामने के लिए। और जब वो पति उससे हाथ छुड़ाने लगता है तब महिला को ऐसा लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ, इनके भरोसे सब कुछ छोड़ा और अब इसने मुझे छोड़ दिया। बात सिर्फ रोजी रोटी की नहीं है, महिला भी कमाकर खा सकती है, वो अपनी रोटी का इंतजाम कर सकती है, परंतु औरत एक मकान को घर बनाती है। अपने प्रेम से, अपने व्यवहार से तुमने सबके हृदय में अपना घर बनाया, बच्चों को जन्म दिया, अब सब कुछ पराया हो गया, सभी इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को किसी की नजर लग गई, पति सेपरेट होने लगता है तुमसे, धीरे धीरे बातें छुपाने लगता है, खुसर फुसर की आवाज आती है, माँ के साथ बहुत सारी बातें करता है परंतु तुम्हारे जाते ही चुप हो जाता है। तुम्हें संकेत मिल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है इस घर में, कुछ तो षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ, मेरे रिश्ते के खिलाफ, कहीं अचानक से ये रिश्ता रातों रात खत्म ना हो जाए। जब अवस्था इतनी बुरी हो तब चलिए करते हैं एक दुर्लभ प्रयोग, तुम अपने सिंदूर से अपने पति को अपने वश में कर सकती हो, बस एक चुटकी सिंदूर से तुम उसे अपने प्यार में पागल कर सकती हो। ध्यान से सुने, एक छोटा सा वशीकरण है, सीख लो और बड़ी आसानी से अपने घर बैठे तुम इस टूटते बिखरते कमजोर पड़ते रिश्ते को सुधार सकती हो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। रिश्ता नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी, चाहे तलाक के पेपर भी क्यों ना बनवा लिया हो, फाड़ कर फेंकेगा, फिर आएगा तुम्हारे पास अपने किए की माफी मांगेगा। इस रिश्ते को तुम क्या सुधारोगी, वो खुद सुधारेगा। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन एक नया सिंदूर खरीदना, खुद जाना लेने के लिए किसी से मंगवाना मत, सिंदूर लाल हो। सिंदूर कई रंग में आते हैं, ऑरेंज भी आते हैं, थोड़ा फीका लाल भी आता है, बिल्कुल डार्क वाला लाल लाना, वो जो शुक्रवार का कलर होता है ना, एकदम लाल रंग के सिंदूर लाना। एक तुम्हारे जो सिंदूरदानी है उसी में उस पुड़ियों को काट कर टोटल सिंदूर अपनी सिंदूरदानी में भर देना, लॉक कर देना, उसे बंद कर देना। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके एक आसन पर बैठ जाना, सिंदूर को अपने सामने रखना, आंखें बंद करना और प्रथम अपने पति की अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना। तुम्हें ऐसा लगे जैसे वो मुझे दिख रहा है, हम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, मेरे साथ बैठा हुआ है, सब कुछ जब अच्छा लगने लगे, दिखाई देने लगे, सिंदूर से सिंदूर का मुंह खोल देना, सिर्फ ढक्कन खोल देना, अपने सामने ही रखना, अपने हाथ की दोनों उंगली जो बीच वाली उंगली है अपनी आंखों के ऊपर रखना, अपनी आंखों के ऊपर रखकर हल्का सा गोल गोल घुमाना, और जो मैं मंत्र बता रही हूँ इस मंत्र को बोलना, आंखों के ऊपर ऐसे उंगली रखना और कहना, ओम ह्रीम क्लीम अमुक वश्य वश्य, ओम ह्रीम क्लीन अमुक वश्य वश्य। इस उंगली को अपनी आंखों के चारों ओर घुमाना, अमुक के स्थान पर पति का नाम लेना 56 टाइम, 56 बार इस मंत्र को बोलना लगातार, सिंदूर खोल कर सामने रखना, आंखों की पुतली पर ऐसे आंखों को बंद करके उंगली रखना और गोल गोल घुमाना, मलना और इस मंत्र को बोलना। सिंदूर को तुमने अभी मंत्रित किया है, सिंदूर का ढक्कन बंद कर देना। आज शुक्रवार है, आज छोड़ देना, संपूर्ण रात्रि से बंधी रहने देना, और अगले दिन शनिवार से इसी सिंदूर को पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके अपने मांग में भरना, हर दिन यही सिंदूर लगाना और फिर चमत्कार देखना। क्या किया है तुमने, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, सारी अवस्था अचानक से पलट जाएगी, सब तुम्हारी बोली बोलेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, हर बात हर पक्ष तुम्हारे तरफ होगा, तुम्हें हैरानी होगी कि रिश्ता इतना बिगड़ गया था और अचानक से रिश्ता इतना कैसे सुधर गया। वही पति जो देखना नहीं चाहता था तुम्हें, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।